भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर सोर्च को धन्यवाद देता हूं। हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों में ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मैं यह बहुत उपयोगी रहेगा। भारत और जर्मनी दोनों को ही अन्य देशों में डेवलपमेंट कोऑपरेशन का लंबा अनुभव है। आज हमने अपने अनुभवों को जोड़कर त्रिपक्षीय कोऑपरेशन के जरिए तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करने का भी निर्णय लिया है। हमारे यह सहयोग विकासशील विश्व के लिए पारदर्शी और सस्टेनेबल विकास परियोजनाओं का विकल्प प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ईयू के साथ भी हम एफटीए वार्ताओं में शीघ्र प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के कुशल कामगारों और प्रोफेशनल से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिला है। मुझे विश्वास है कि भारत और जर्मनी के बीच हो रहे कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम बनेगी। मैं फिर एक बार आज की समिट के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत आर्थिक रिकवरी का प्रमुख स्तंभ बना है। पुतिन जल्द युद्ध खत्म करे, जर्मन चांसलर ने यह बात कही। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया कि युद्ध वास्तव में एक ऐसी स्थिति होती है। हालांकि भारत का रुख जो यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है उसमें पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसका जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, यूक्रेन संकट शुरू होते ही युद्ध विराम की स्थिति बननी चाहिए। यूक्रेन संकट का हल बातचीत से ही होगा, बातचीत पर जोर दिया जाना चाहिए। युद्ध में विजयी कोई नहीं होगा, ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। हम शांति के पक्षधर हैं, हिंदुस्तान का पक्ष रखते हुए युद्ध में सभी का नुकसान होगा और इसी वजह से युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। यूक्रेन संकट की वजह से तेल कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिल रहा है। यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया। मानवीय मुद्दों को लेकर हिंदुस्तान भारत चिंतित है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन पर भी अपनी बात कहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया और ये कहा कि कोरोना के संकट काल के बावजूद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की ओर से इस मंच पर क्या कहा गया इस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी और उन्होंने अपने रिश्तों का भी जिक्र किया और ये कहा कि अगर पहली बार इस साल में मैं किसी देश की यात्रा पर निकला हुआ हूं तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान अपने मित्र देशों के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन बड़ी बात जो रशिया और यूक्रेन के मामले में चल रही है उसमें खुलकर हिंदुस्तान का पक्ष बड़े मंच पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। मानवीय पक्ष का उन्होंने जिक्र किया, ये कहते हुए कि यूक्रेन को हमने मदद भेजी है। रूस यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से मानवीय पक्ष का
पर जोर दिया गया और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी। यकीनन जिस तरह की भयावह तस्वीर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से सामने आती है वो अपने आप में परेशानी का बहुत बड़ा कारण, क्योंकि युद्ध कब खत्म होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है।